मोमिनपुर थाना प्रभारी को अविलंब बर्खास्त किया जाए, यह बात भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रदेश नेता रमेश पांडे ने कही। और रणधीर वर्मा चौक पर गोविंदपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह का पुतला दहन किया, भारतीय जनतंत्र मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। श्री पांडे ने कहा कि दुष्कर्म मामले में पूर्व बैंक मोड़ थाना प्रभारी और अभी गोविंदपुर थाना प्रभारी में पद स्थापित है, जबकि गौ तस्करी से लेकर कोयला चोरी से लेकर शराब बिक्री खुले आम करवाते आ रहे हैं, और आज इनका काला करतूत समाज के सामने आने के बाद विभागीय कार्रवाई के लिए निर्देश पुलिस मुख्यालय से डीआईजी को दिया गया है। अगर गोविंदपुर थाना प्रभारी अपने पद पर स्थापित रहेंगे तो उचित कार्रवाई नहीं हो पाएगी। भारतीय जनतंत्र मोर्चा धनबाद के पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करती है कि ऐसे अधिकारी को अविलंब निलंबित करे, उसके बाद ही उचित विभागीय कार्रवाई हो सकती है, अन्यथा पीड़िता को न्याय 2 साल बाद भी नहीं मिल पाएगा। और हम आशा नहीं, पूरा विश्वास रखते हैं कि झारखंड के युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से इस मामले में पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाने के लिए थाना प्रभारी को अविलंब निलंबित करने में अहम भूमिका निभाएंगे और कोयलांचल की जनता उनका आभार व्यक्त करेगी। इस पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से बॉबी पांडे, नरेंद्र सिंह, डिसू रवानी, विवेक पांडे, राजेश ओझा, मिथिलेश कुमार, छोटू कुमार, रोहित शर्मा, मनोज सिंह, कमल किशोर तिवारी, अनिल पांडे, संतोष कुमार, विश्वजीत सिंह, राहुल सहानी इत्यादि लोग मौजूद थे। अखबार के माध्यम से सूचना मिला कि 2 साल पूर्व एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था। उसका जो जांच प्रक्रिया चल रही थी वो गोविंदपुर थाना प्रभारी की मिली भगत से केस भी दर्ज नहीं किया गया था। मानव अधिकार के तरफ से उन पर विभागीय कार्रवाई दिया गया है, और गोविंदपुर थाना प्रभारी दावा करते हैं कि 6 महीना तक हमको कोई गोविंदपुर थाना से हिला नहीं सकता है, पूरे अधिकारियों में हम अपना योगदान देते रहते हैं, और इसका हवाला दे रहे हैं किसके बल पर ये काम कर रहे हैं। जो महिला 2 साल से पीड़ित है, आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया, और विभागीय कार्रवाई के बाद भी इतने बुलंदी के साथ गोविंदपुर थाना में जमे हुए हैं, जबकि कभी भी किसी विभागीय कार्रवाई होता है तो अविलंब उस थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया जाता है, और निलंबित करने के बाद कार्रवाई किया जाता है। तो भारतीय जनतंत्र मोर्चा मांग करता है धनबाद के एसएसपी सर से कि उनको अविलंब निलंबित करके उन पर कार्रवाई करे, तभी जाके 2 साल से जो पीड़ित महिला है उसको न्याय मिल पाएगा, अन्यथा न्याय में देरी होगी। और हम सब आप सभी के माध्यम से भी ये सूचना देना चाहते हैं सरकार को, झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को, कि अविलंब इस पर कार्रवाई करके ऐसे भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी को संरक्षक देने वाले इंस्पेक्टर को अविलंब निलंबित करें, अन्यथा भारतीय जनतंत्र मोर्चा पूरे रोड पे महिलाओं के सम्मान में खड़ा होगी। इससे पहले भी उन पर आपने आरोप लगाया था कि रंगदारी वगैरह, तो क्या उस पर अभी तक कार्रवाई हुई? देखिए, जब मुनेश तिवारी को हमने पकड़वाया था नंगे हाथ भ्रष्टाचारी में 50,000 रुपया लेते हुए, तब वही इंस्पेक्टर साहब उंगली दिखा करके अभद्र व्यवहार किए थे एसीबी के टीम के सामने, और वो एसीबी की टीम गवाह है। और उस वो दिन से लेकर आज तक लगातार शराब बिक्री, जितने हाईवे पर चले जाइए, हाईवे रोड पर चले जाइए, लगातार कहीं भी ढाबा में आप बैठ के खाना खाइए, वहाँ शराब का बोतल खुलेआम रखा जाता है, और कहा जाता है कि गोविंदपुर थाना में मेरा पैसा जाता है, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को खुले और राजस्व की चोरी जो हो रही है, कोयला चोरी जो हो रही है, इसमें मिली भगत गोविंदपुर थाना प्रभारी का है। और उसके बाद भी 6 महीना से बोल रहे हैं, हवाला दे रहे हैं किसी न किसी के माध्यम से कि 6 महीना हमको कोई हिला नहीं सकता, बड़े अधिकारी तक हम पैसा पहुंचाते हैं।